दरअसल यमुनानगर के कैनल रेस्ट हाउस की तरफ जाने वाली सड़क हादसों की सड़क बन चुकी है। लोगों का कहना है कि पानी की निकासी के नाम पर सड़क के बीचों बीच जो पाइपलाइन डाले जा रहे हैं ये सरासर गलत है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसी समस्या को लेकर आज स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द इसे सही करवाया जाए। वहीं इस सड़क पर कैसे हादसे हो रहे हैं इसके दो सीसीटीवी वीडियो भी स्थानीय लोगों ने मीडिया को दिए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग इस सड़क की वजह से हादसों का शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस सड़क के मामले की बड़ी जांच होनी चाहिए। मुद्दा उठा तो मेयर आए और अधिकारियों पर बात डाल दी। लोगों की मांग है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये हमारी जो है ग्रे पेलिकन की वीआईपी रोड है और यहाँ पे कैनाल रेस्ट हाउस रोड इसको बोला जाता है और यहाँ पे जितने भी वीआईपी आते हैं वो सब कैनाल रेस्ट हाउस में रुकते हैं। ग्रे पेलिकन एक होटल है यहाँ पे जो हरियाणा टूरिज्म का भी है। ये मुद्दा उठा था सेप्टेम्बर 2019 में, जब ये रोड पे बीचों बीच बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद के और पाइप दबाने का काम यहाँ पे शुरू करवाया गया था। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि सड़कों के बीच में कभी भी इस तरह से इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद के पाइप दबाने का काम कहीं नहीं होता, लेकिन एक बार भी बात नहीं सुनी गई और मना करने के बावजूद भी हमें बाद में मालूम पड़ा कि इन्होंने एनओसी भी नहीं ली, जो कि इरीगेशन डिपार्टमेंट से एक एनओसी की फाइल सबमिट करके एनओसी लेनी चाहिए थी। इन्होंने फाइल भी सबमिट नहीं की और यहाँ पर काम शुरू करवा दिया और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। जो यहाँ पे एक्सियन और एमई यहाँ पे उस टाइम थे उनका यहाँ से तबादला हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एनजीटी में हम लोगों ने मेल्स वगैरह करके इस मुद्दे को रोका, यहाँ पे काम को रोका। उसके बाद काम रोकने के बाद ठेकेदार जो है वो कोर्ट में चला गया। अब उसने कोर्ट में नगर निगम के खिलाफ अपने पैसों के लिए जो 15-20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं उसके लिए अपील कर रखी है। अब उस जब तक उसका कोर्ट केस नहीं खत्म होगा यहाँ पे काम ना तो दोबारा शुरू हो सकता ना ये खत्म हो सकता है। पूरी मैं 1992 से लेकर 2013 तक तीन बार नगर पार्षद रह चुका हूँ, वार्ड नंबर 13, 14 और 28 से। और ये जो रेस्ट हाउस रोड का मुद्दा है ये हमारे मोहित गर्ग जी और मनीष गर्ग जी का ये जो मुद्दा है लगभग 6 महीने से चल रहा है और इस 6 महीने के अंदर सैकड़ों एक्सीडेंट हुए हैं, सैकड़ों युवा वर्ग की हड्डियाँ टांगे बाय टूटती हैं। और जो जो नगर निगम है, हमारा जिला प्रशासन है, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि नगर निगम के जो मेयर हैं मदन लाल चौहान जी, अगर इनकी कोठी के आगे ऐसी सड़क खराब हो, अगर एमएलए घनश्याम जी की गली के अंदर ऐसी सड़क टूटी हो तो 6 महीने वो क्या इंतजार कर सकते हैं। ये लोगों के साथ, हमारे जमुना नगर के लोगों के साथ बहुत नजायज बहुत गलत हो रहा है।